क्लास सिक्स का चौथा पार्ट है चांद से थोड़ी सी गप्पें। इस पार्ट के बारे में हम आपको बताएंगे क्योंकि जो लोगों की कविता आदि होती है वो उनके समझ में नहीं आती, इस वजह से उन्हें पढ़ने में उनका उसका अर्थ करने में ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। तो चांद से थोड़ी सी गप्पें, 10-11 साल की एक लड़की है, वो मान के चलो चांद से थोड़ी गप्पें लड़ा रही है कि गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, कि चंद्रमा जो होता है कैसा होता है गोल। तो वह उससे गप्पे लड़ाती है, गप्पे मीन्स मजाक, मजाक टाइप में मजाक करती है कि गोल तो हो आप, खूब हो, अच्छी प्रकार से गोल हो, लेकिन आप थोड़ा सा तिरछे, थोड़े से टेढ़े नज़र आते हो, जरा जरा मीन्स होता है थोड़ा सा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, अर्थात ऐसा लगता है जैसे आकाश को ही आपने पहन रखा है, पूरे आकाश में आप ही आप छाए रहते हो, और तारों जड़ा कैसा आकाश कि तारों से जड़ा हुआ आकाश, सिर्फ मुँह खोले हुए हैं अपना, ऐसा लगता है कि जो चंद्रमा होता है उसने अपना मुँह खोल रखा है। और छोटी सी लड़की उसके गप्पे लड़ाती कहती है ये क्या ऐसे ऐसा लग रहा है जैसे आपने मुँह खोला हुआ है अपना, और वह भी कैसा है गोरा चिट्ठा है, आपका मुँह कैसा है गोरा चिट्ठा, गोल मटोल है, कैसा है गोल मटोल, ये देख सकते हैं आप। यह जो लड़की है चांद से थोड़ी सी गप्पें लड़ाती हुई कहती है, आगे कहती है वह कि अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, कि ऐसा लगता है कि आपने चारों तरफ से अपनी पोशाक है जो पहन रखी है, आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे, लेकिन आप थोड़ा सा टेढ़े नज़र क्यों आते हैं, खूब है गोकी, वह भी अच्छा लगता है, गोकी का अर्थ होता है खूब है गोकी, मतलब आप जो तिरछे नज़र आते हैं वह भी अच्छा लगता है, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। आगे वह उसे मजाक करते हुए अपने आप में बातें करते हुए कहती है वाह जी वाह, आपने तो हमें निरा निरा मिस होता है, बहुत ज़्यादा बुद्धू मिस होता है जिसमें बुद्धि नहीं हो, तो हमको निरा बुद्धू समझा है क्या, हम समझते ही नहीं, जैसे कि क्या आप हमने बेवकूफ़ समझते हो, जैसे कि हम समझते ही नहीं है कुछ है, क्या आपको बीमारी है, वह उसमें मतलब फरेब लगाते हुए ऐब लगाते हुए कहती है कि आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, इस प्रकार चंद्रमा घटता घटता रहता है पूर्णिमा और अमावस के दिन, उसी प्रकार वह कहती है कि आप घटते हैं तो घटते चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो यानी बस बढ़ते ही चले जाते हो, अर्थात आप में ये बीमारी है, बस बटने गढ़ने को एक बीमारी का नाम देती है, दम नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाओ, और जब तक सांस नहीं लेते जब तक कि आप बिल्कुल गोल ना हो जाओ, बिल्कुल गोल, यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता, यह जो बीमारी है मरज मिस बीमारी, यह आपकी अच्छी क्यों नहीं होती है, अर्थात वह उससे मजाक टाइप में कहती है कि यह जो बीमारी है आपकी यह ठीक होने में क्यों नहीं आती है? आप जब गोल होते हो तो छोटे होते चले जाते हो, आप जब बड़े होते हो तो छोटे होते चले जाते हो, आप जब छोटे होते हो तो बड़े होते ही चले जाते हो, तो यह आप में क्या बीमारी है। तो इस कविता के जो लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह चांद से थोड़ी सी गप्पें, इसके जो प्रश्न अभ्यास दिए हुए हैं कविता से कि आप पहने हुए कुल आकाश के माध्यम से लड़की क्या कहना चाहती है, कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़ कर बैठा है, सही है, कि चंद्रमा जो है ऐसा लगता है जैसे तारों से जड़ी हुई चादर जो ओढ़ करके बैठा है, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, हाँ जब वह उजाला करता है अपनी रोशनी के माध्यम से तब वह ऐसा लगता है कि चांद अपनी पोशाक को चारों दिशाओं में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं में फैला करके बैठा है। कवि ने चांद से गप्पें किस दिन लगाई होंगी, इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ, यह आपकी समझ में आ गया होगा। पूर्णिमा अष्टमी से पूर्णिमा के बीच क्या होता है, पूर्णिमा कब होती है, जब चंद्रमा पूरा दिखाई देता है तब क्या होती है पूर्णिमा, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच क्या होता है, जब वह चंद्रमा जो है आधा आधे से ज़्यादा दिखाई देने लगता है, और प्रथमा से अष्टमी के बीच वह थोड़े से और आधे तक दिखाई देने लगता है। तो इसी प्रकार से यह पाठ जो है आपकी समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो कोई भी क्वेश्चन या किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। ये देखिए भाषा की बात, चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है,
चांद कैसा होता है? चांदनी देता है, तो उसका जो विशेषता है वह चांदनी देने वाली, तो इसको क्या कहते हैं? विशेषण, जो संज्ञा शब्दों के संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। इसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ने पर विशेषण बनने हैं, अर्थात चांदनी शब्द है तो इसमें ई प्रत्यय प्रत्येक पीछे लगते हैं, तो ई प्रत्यय जोड़ने से यह चांद शब्द जो है वह क्या बन गया है? विशेषण बन गया है। बिल्कुल, गोल कविता में इसके दो अर्थ हैं, गोल आकार का, गायब होना, यह सब आप देख सकते हैं। बाकी ये जो संवत के जो 12 महीनों के नाम हैं, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़, जो ये हिंदी में होते हैं, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन, ये सभी हिंदी के 12 महीनों का जो चक्र होता है वह होता है, जने के अंग्रेजी में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो कहते हैं। तो 15-15 दिनों के हिसाब से जो चंद्रमा है वह बढ़ता और घटता रहता है। जैसे पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करते हुए चंद्रमा भी पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का परिक्रमण करता है। इन्हीं दोनों परिभ्रमणों से वर्ष और मास की गणना होती हैं। सामान्यतः 30 दिनों के महीने होते हैं, जिन्हें चंद्रमा की वार्षिक गति को 12 महीनों में बांट करके निर्धारित किया जाता है। 30 दिनों में 15-15 दिनों के दो पक्ष होते हैं, पखवाड़ा जैसे बोलते हैं 15 दिन का। जिन 15 दिनों में चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक पहुँचता है उसको शुक्ल पक्ष, शुक्ल मीन्स उजाला पक्ष, और जिन 15 दिनों में चंद्रमा घटते घटते अमावस्या तक जाता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं, अर्थात काली रात जिसे बोलते हैं, कि अब उजाली रातें हैं अब काली रातें हैं। इसी तरह एक वर्ष के 12 महीनों में 6-6 माह के 2 आयन होते हैं। जिन 6 महीनों में मौसम का तापमान बढ़ता है उसे उत्तरायण, टेम्परेचर जब हाई होता है गर्मियों में तो उसे कहते हैं उत्तरायण, और जिन 6 महीनों में मौसम का तापमान घटता है उसे दक्षिणायन कहते हैं। तो यह सभी जो है इन्हीं 12 महीनों में घटित होता है। आप देख सकते हैं कि इसी प्रकार से इन 12 महीनों के क्रम से जो है कि कैलेंडर का निर्धारण भी किया जाता है, जिसमें कि प्रथमा द्वितीया तृतीया अष्टमी अमावस सप्तमी ये सभी हमें जो दिखाई देते हैं इन्हीं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के हिसाब से बनाए जाते हैं। धन्यवाद।